दोस्तों आपको सामने एक स्क्रीन दिखाई दे रहा है, उस स्क्रीन का एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैं बहुत बार देखता हूं कि सर हमें नोट्स दो। अरे नोट्स जो मैं लिखा रहता हूँ वही तो नोट्स है, उससे बाजू बाजू का थोड़ी कुछ है वो नोट्स, क्योंकि जो मैं एक्सप्लेन करूंगा अगर वो मैं आपको दे दूंगा तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। सो प्लीज एक प्यारा सा स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि आपको पता है कि जब हम भटकते रहते हैं तो भटकते रहते हैं, क्योंकि आपको दिखता ही नहीं है कि सर ने क्या लिखा है क्या। तो एक प्यारा सा ले लो, क्योंकि हम जब पढ़ाने लगते हैं तो इधर उधर सब चीजें घूमना फिरना स्टार्ट कर देते हैं। ले लो स्क्रीनशॉट, फिर हम आते हैं। सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप एंड स्वागत करता हूं जेआर के इस प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि इस प्लेटफॉर्म पे 7, 8, 9, 10, 11, 12 हर क्लास के सभी वीडियो लेक्चर्स कंटिन्यू आ रहे हैं। अगर आप नए हो तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो एक बार जाकर प्लेलिस्ट चेक करो, आप एक बार वीडियो देख लो, पक्का सब्सक्राइब करके जाओगे। अगर आपने सब्सक्राइब किया तो आप दो दोस्तों को और बोलो कि सब्सक्राइब करने के लिए भाई अच्छा चैनल है, कुछ अच्छी चीजों को जरूर सपोर्ट किया करो। ओके तो दोस्तों वैसे तो आपका सपोर्ट और प्यार बहुत है, अगर आपको हमसे मिलकर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब तो आपने कर दिया होगा, नहीं किया हो तो कर दो, और एक प्यारा सा कॉमेंट भी कर दो यार। बार बार बोल रहा हूँ कि ये जो कमेंट होता है ना, ये एनर्जी ड्रिंक होता है हमारे लिए। सो गाइस, आज हम जो टॉपिक देखने वाले हैं तो मेन टॉपिक तो हमारा स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट है, पर उसके पहले इसमें से कुछ चीजें ऑलरेडी मैंने बताई है, बट कुछ चीजें रिवाइज करवा देता हूं, फिर इसके बाद हम चलते हैं अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ। कैसा चल रहा है ओमकर सर? अच्छा चल। ओके सो गाइस, पहला जैसे मैंने ऑलरेडी बताया था कि वेक्टर्स को हम ऐड भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। बट कंडीशन क्या है कि दोनों वेक्टर सेम टाइप के होने चाहिए। सेम टाइप मीन सर क्या? सेम टाइप मतलब ये अगर घोड़ा है तो ये भी घोड़ा होना चाहिए, मतलब अगर ये फोर्स है तो ये भी फोर्स होना चाहिए, अगर ये वेलोसिटी है तो ये भी वेलोसिटी। देखो वेलोसिटी दोनों ही कौन सा, दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो अगर ये वेलोसिटी है तो ये भी वेलोसिटी होना चाहिए, तभी हम दोनों को ऐड कर सकते हैं, तभी दोनों को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। अगर दोनों सेम क्वांटिटी नहीं है तब उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। सो गाइस ये पहला हो गया। और दूसरा जो चीज हमें बताना था कि हम मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लीकेशन हम स्केलर के साथ करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, स्केलर क्वांटिटी मिलेगा। स्केलर को स्केलर के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, स्केलर। और अगर हम स्केलर को वेक्टर के साथ करेंगे, ऑलरेडी मैंने बताया था, अगर हम स्केलर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कौन सी क्वांटिटी मिलेगी, वेक्टर क्वांटिटी। ओके तो यहां तक तो कोई डाउट नहीं। अब जिसका वेट आप बेसब्री से कर रहे हो, मैं आपसे ज्यादा बेसब्र हूं आपको बताने के लिए। सो गाइस, स्केलर प्रोडक्ट का ही दूसरा नाम होता है डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट ओके, दूसरा नाम भी बता देते हैं क्योंकि एग्जाम में दोस्तों देखो बहुत बार ऐसा आता है कि डिफाइन डॉट प्रोडक्ट बोलते हो, अरे ये तो बाहर से आया है, क्योंकि आपको स्केलर प्रोडक्ट नाम पता है। तो दोनों नाम याद कर लो, दोनों एक ही नाम है, एक आदमी के दो नाम है, स्केलर प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट। ओके जैसे आपके भी दो चार नाम होंगे, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। अब क्या होता है, क्या इसमें याद करना है? हाँ गाइस, इसका आज मैं इसका डेफिनेशन बताऊंगा और नेक्स्ट इसके बाद वाला जो वीडियो आएगा उसके अंदर मैं इसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में आपको बताने वाला हूं। तो स्केलर प्रोडक्ट ध्यान से देखना, इसके साथ ही कनेक्ट करके मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स पी बार एंड क्यू बार। देखो पी बार, चलो यहां लिखता हूं मैं आपके लिए, पी बार एंड डॉट प्रोडक्ट बोला इसलिए बीच में डॉट दे दिया, टू नॉन जीरो वेक्टर्स पी बार एंड क्यू बार इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मतलब मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द टू वेक्टर्स। अब टू वेक्टर ओनली मैग्नीट्यूड लिखना है, मतलब ओनली मैग्नीट्यूड हम ऐसे ही लिखते हैं पी क्यू। ओके ठंडी लग रहा है ओमकर सर। मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स एंड द कोसाइन ऑफ द एंगल। मान लो ये दो वेक्टर है ऐसे, चलो ये वाला लेते, ये बना ही है, ये मान लो वेक्टर क्यू है, ये वेक्टर हमारा पी है, इनके बीच में जो एंगल है वो एंगल क्या है, थीटा है। और इसको हम कैसे लिखेंगे, पी क्यू कॉस थीटा, पी क्यू कॉस थीटा। आप देखो अब मैं कनेक्ट करता हूं, ध्यान से सुनो, यही मेरा है स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, यही कहानी खत्म हो जाती, बस ये सब इतना बड़ा यही लिखा हुआ है। देखो क्या बोलता हूं, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स पी बार एंड क्यू बार इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड, इसलिए देखो उसको बार नहीं दिया, ओनली मैग्नीट्यूड मीन्स ओनली वैल्यू। ओके
मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स एंड अब हम किसकी बात करेंगे, ये दोनों वेक्टर्स के बीच के एंगल की बात करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स एंड एंग एंड द कोसाइन, दोनों के बीच का जो थीटा है उसको आपने कॉस साइन कॉस टेन कॉस कोस ट्रिगो में पढ़ा होगा 10th स्टैंडर्ड में, तो वही है, ये दोनों के बीच का जो थीटा है हम लोग किसके थ्रू फाइंड करेंगे, कॉस के थ्रू फाइंड करेंगे एंड द कोसाइन ऑफ एंगल थीटा बिटवीन बिटवीन द टू वैक्टर, टू वैक्टर मतलब पी एंड क्यू, ये दोनों वैक्टर, तो यही तो हमारा गाइस है स्केलर प्रोडक्ट, यही हमारा स्केलर प्रोडक्ट है, पी बार एंड क्यू बार डॉट प्रोडक्ट एंड स्केलर प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वैक्टर इज डिफाइंड एज मैग्नीट्यूड ऑफ टू वैक्टर एंड द कोसाइन ऑफ एंगल थीटा बिटवीन टू वैक्टर पी एंड क्यू, हो गया, यही तो है, यही तो लिखा हुआ है, देखो p बार एंड q बार, फिर ओनली मैग्नीट्यूड, फिर ये दोनों बीच का, ये दोनों के बीच का एंगल cos थीटा, ओके मतलब उसका जो एंगल फाइंड करेंगे हम cos के थ्रू फाइंड करेंगे, इसलिए cos थीटा लिखा हुआ है, ओके सो गाइस अब आगे आपके बुक में कुछ लिखा हुआ है, ऐसा एक डायग्राम बनाया हुआ है और वो डायग्राम में कॉम्पोनेंट के बारे में कुछ चीजें बताई, अगर आप बुक आप चेक करोगे, और सच में ठंडी लग रहा है, थोड़ा एसी कम कर दो भाई, वेट थीटा इज द एंगल बिटवीन, ये दोनों के पी बार एंड क्यू बार का जो थीटा है उसको जो हमने एंगल लिया उसको थीटा लिया हुआ है, अब पी बार डॉट क्यू बार डॉट प्रोडक्ट है, पी बार डॉट क्यू बार, ओके सो गाइस ऑलरेडी मैंने बताया था ये क्या है पी क्यू, ये हमारा मैग्नीट्यूड है और ये दोनों के बीच का एंगल है, क्योंकि हमें देखो वेक्टर है तो दोनों चीज चाहिए, मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए, मैग्नीट्यूड हमें इसके थ्रू मिल जाएगा, ये दोनों का जो वैल्यू होगा और ये दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो इसके थ्रू मिल जाएगा, ओके समझ में आया इसको मैंने कैसे लिखा, ये दोनों का मैग्नीट्यूड और ये दोनों के बीच का एंगल कॉस थीटा, अब गाइस बुक में आपके ये लिखा हुआ है ऐसे पी क्यू कॉस थीटा और क्यू कॉस थीटा, और ये जो क्यू कॉस थीटा होता है क्यू गाइस इसका जो कंपोनेंट है अगर चेक करोगे इसका कंपोनेंट ये देखो यहां है, मतलब इसका एक कंपोनेंट है, कंपोनेंट पता ना स्प्लिट किया हुआ है, इसको एक एंगल में स्प्लिट किया होता है, इसका जो कंपोनेंट है ये कंपोनेंट देखो क्या दिखा है क्यू कॉस थीटा, और ये क्यू कॉस थीटा कहां है कौन से किस पे, ये वाले वैक्टर पे, अगर मैं पी वाले कॉम्पोनेंट की बात करूं तो पी का कॉम्पोनेंट क्या है पी कॉस थीटा, पर ये कहां है ये वाले यहां है क्यू पे है, तो ये सेम टू सेम यही तो लिखा हुआ है, देखो q cos थीटा कॉम्पोनेंट ऑफ q इन द डायरेक्शन ऑफ p, देखो मैं यहां फिर से बताता हूं q का कॉम्पोनेंट क्या है q cos थीटा, q का कॉम्पोनेंट q cos थीटा और कहां है इन द डायरेक्शन ऑफ p, और p का अगर मैं बोलू देखो नीचे लिखा होगा ये वाला ये देखो ये, अब देखो यहां p डॉट q बार लिखा हुआ है, आगे q लिखा हुआ है और आगे p cos थीटा लिखा हुआ है, अब p अब मैं बात करूं ये P का कंपोनेंट कहां है P cos थीटा है और कौन सी डायरेक्शन में Q डायरेक्शन में, तो इसी तरह तो लिखा हुआ है Q कंपोनेंट, अब ये अगर मैं बस इतने की बात करूं इतने की बात करूं तो कंपोनेंट ऑफ P बार कंपोनेंट ऑफ P बार इन द डायरेक्शन ऑफ Q इन द डायरेक्शन ऑफ Q, अगर Q है तो वो P पे है और P है तो वो किस पे है Q पे है, बस यही बताना है आपको, सो गाइज अब इसमें ओवरऑल आपको याद सबसे इंपॉर्टेंट यही रखना है P डॉट Q, ओके स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट इज डिफाइंड एज मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर एंड द कोसाइन ऑफ थीटा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, यही हमारे लिए क्या होता है, ये हमारे लिए होता है डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट, सो गाइस मुझे लगता है यहां तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और कुछ भी डाउट नहीं होगा क्योंकि पूरा क्लियर कट मैंने समझे चीजें बता दी, अब हम इसके बाद वाला जो वीडियो है उसमें हम देखने वाला है स्केलर प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट का कैरेक्टरिस्टिक, तो ये इसके लिए आपको ये याद रहना चाहिए, पता चला जब वो वीडियो आया और आपके दिमाग से ये उड़ चुका है तो ये मेनली आपको ये याद होना चाहिए, सो गाइस चलो बाय बाय टाटा टेक केयर, सबसे बड़ी बात अपना ध्यान रखना, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में इसके कैरेक्टरिस्टिक के साथ, जय हिंद दोस्तों।